हादीपुरा का जय ही मुर्दाबाद। सुजीत कुमार सिंह जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, हादीपुरा का जय ही मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मऊ की लाइन ठीक की जाए, योगी सरकार जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एप्लीकेशन तौर पे जो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है आफ्ताब निवासी मिर्जा हादीपुरा दिया गया है, इसकी जांच करा कर के। किस संबंध में एप्लीकेशन दिया गया सर? बिजली विभाग के जेई से संबंधित है, जांच करा कर के नियम संगत कर। अपना परिचय दें, क्या नाम है? जी मोहम्मद अजहर मिर्जा हादीपुरा। किस समस्या को लेकर आज आप लोग जो है कलेक्टर? बिजली कटौती, अवैध वसूली, कनेक्शन जब कटता है, बिजली गड़बड़ाती है, जब बनवाते हैं तो उसका पैसा हम ही लोगों को देना पड़ता है, जो कि ड्यूटी के समय भी रहते हैं, बनाते नहीं हैं, बनाते भी हैं तो पैसा लेते हैं। अवैध वसूली हो रही है, हम बुनकर हैं, हम लोगों का पासबुक जुलाई से बंद है, पैसा जमा नहीं हो रहा है। हम लोग खुद ही परेशान हैं कि ये सरकार जल्दी फिक्स करे और हम लोगों को पैसा दे। और इतनी ज़्यादा अवैध वसूली हो रही है, बताते हैं लोग कि हम तो नहीं देखा, लेकिन बता रहे हैं लोग कि एक पैदाइश कराने वाली और जो लोकल में होती है, गरीबों की मदद करती है, उसके यहाँ 5,000 रुपया अवैध वसूली कर लिया गया है। कौन लोग की? ये जेई और लाइनमैन रहते हैं और संविदा पर जो लाइनमैन है, यही लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। कौन लोग हैं, इनका नाम कुछ मालूम? ये लोग मिर्जादीपुरा फीडर पर बैठते हैं, वहाँ पे एक मीटिंग बनाते हैं, अवैध वसूली करते हैं और कनेक्शन काट करके फिर रात को कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। अब बल्कि वहाँ पे मुखबिर भी लगे हुए हैं, वो गली गली में देखते हैं किसका कनेक्शन गड़बड़ है, कोई किसका पैसा ज़्यादा बाकी है। और ये अवैध वसूली होती सरकार के इसमें नहीं जाती है, जबकि हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया है कि 24 घंटे लाइन दी जाए बुनकरों को, किसानों को। आइए, गर्मी का मौसम है, बारिश हो रही है, लाइन इतनी कटती है कि हमें पानी नल से नहीं मिल रहा है। पहले नल से मिलता था तो निकाल लेते थे, अब सरकारी पानी आ रहा है वो भी नहीं मिलता है। जब समय होता है पानी का तो लाइन कट जाती है। तो कहीं ना कहीं बिजली कर्मचारी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। हाँ, सरकार की छवि खराब हो रही है। लोकल फॉल्ट के नाम पर 3-3 घंटा, 4-4 घंटा। अगर आप मालूम कर ले, मोहम्मदाबाद से लाइन हमें 24 घंटा मिल रही है, लेकिन लोकल में इतनी लाइन काट दी जाती है कि हम लोग लाइन ही नहीं पाते हैं। और कोरोना काल में हम लोग इतने गरीब हो गए, इतनी मजदूरी कम हो गई, हमारा लूम बंद है, हम बहुत परेशान हैं। हम सरकार के चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए। तो अभी एप्लीकेशन आप लोगों ने किस तरह का दिया और मुख्य रूप से क्या मांग किया है? क्या जेई का अधिकारी महोदय से हमने मांग की है कि जेई की जाँच करा करके जो उचित कार्रवाई की जाए और लाइनमैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और हमें लोकल कटौती ये बंद की जाए, जो आदेश है उसका पालन किया जाए, हमें पूरी लाइन दी जाए। तो जेई और लाइनमैन कौन है? ये राजकुमार यादव जी है, ये जेई साहब है। हाँ। और ये जय बहादुर साहब है, ये सरकारी लाइनमैन, ये तो कुछ बनाते नहीं है, लोकल ही वाले बनाते हैं और पैसा बहुत ज़्यादा वसूली की जाती है। हम यही चाहते हैं कि फ्री में लाइन बनाई जाए, जो कट होता है उसको फौरन बना के फौरन लाइन दी जाए। इसे आज ज्ञापन दिया आपने? हम लोगों ने तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया, जिला अधिकारी महोदय को संबोधित है।